मेरा नाम नितिन त्यागी है। मैं फ्लोरेंस के मैं अपने जीवन के में कुछ बदलाव आए हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं योग की तरफ रहता हूँ, उसमें मेरा काफ़ी अध्ययन भी है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें चाहता था जिससे मैं जो मुझे योग में मेहनत करनी पड़ती है वो कम कर पाऊँ और चेतना के विकास की तरफ ज़्यादा बढ़ सकूँ। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी मुझे जिसमें मुझे अपने शरीर की चिंता ना करनी पड़े। तो योग में सबसे पहले अपने शरीर को साध के फिर अपनी आत्मा को लेकर आगे बढ़ा जाता है। तो शरीर साधने की जो चीज़ें थी उसमें समय बहुत नष्ट होता था, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, जो खत्म होना है उसको पालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी और ध्यान के लिए समय कम मिलता था। और मेरी आदत थी मैं 2-3 दिन में एक बार सोता हूँ, तो उसके लिए शरीर में और भी चीज़ें हो जाती रहती थी जिसके मुझे योग करना पड़ता था। तो मैंने इन उत्पादों का प्रयोग करना शुरू किया जी। मुझे कृष्ण भगवान कुछ पुण्य कर्म होंगे जिनकी वजह से मुझे कृष्ण जी से भेंट हुई मेरी, और इनका मैंने प्रयोग करना शुरू किया। शरीर में तो जो फर्क आए हैं सो आए हैं, मन भी अपना शरीर ही एक तरह शरीर ही होता है। तो उस मेरे मन के शरीर में जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, क्योंकि मैं जागता हुआ तो मुझे खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं दिन में 5 से 6 बार खाता था, अब मैं दिन में सुबह मैं फल खाता फलाहार करता हूँ, शाम को फलाहार करता हूँ और दोपहर में सिर्फ 2 या 3 रोटियाँ खाता हूँ। साथ में हाँ थोड़ा दूध लस्सी वगैरह लेता हूँ, उसके अलावा मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ और चीज़ें, तुलसी ब्राह्मी अश्वगंधा और हल्दी लेने से ये हुआ कि जब मैं ज़्यादा सो नहीं पाता, अगर मान लीजिए 3 दिन तक सो नहीं पाया, तो उसके बाद शरीर में एक ऐंठन होती थी। ऐसा लगता था शरीर में तमोगुण बहुत इकट्ठा हो गया है जो कि चाहता है कि अब मैं एक जगह जड़वत हो जाऊं। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें लेनी शुरू करी हैं तो वो जड़ता मेरे अंदर से खत्म होती जा रही है, और जहां जड़ता खत्म होती जाती है वहां तम कम होता जाता है और सत और रज गुण के आने का रास्ता अपने आप ही बन जाता है। तो हाँ जी, अभी भी त्रिगुण तो चल ही रहे हैं लेकिन तम कम होता जा रहा है, रज और सत बढ़ते जा रहे हैं। प्रयास इस तरफ है कि सत ही सत हो, रज भी कम हो जाए। तो 100 बात की एक बात, जो मेहनत मुझे योगासनों से और अपने प्राणायाम से करनी पड़ती थी, और मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूँ श्वासायाम की नहीं, वो काफ़ी मेहनत अब मेरी कम हो गई है, जिसके लिए मैं कृष्ण जी का शुक्रगुजार हूँ।